जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि कल हमने सुना था, लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, सब लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते। आइए आज सुनते हैं। नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं है, यह सर्वथा यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हो चुका है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु और नाम अपमानकारी लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नाम का अपराध है कि अश्रद्धालु नाम विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का एक अपराध है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वाद का कभी अवसर प्राप्त हो गया है, वे तो फिर दूसरी ओर भूलकर भी नहीं ताकते। न उन्हें शरीर की कुछ परवाह रहती है, न जगत की। मत वाले शराबी की तरह नाम के प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता। ऐसे ही प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं कि प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सिगरो घर बारा, जो उन मत फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा, श्वासों श्वास उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवदा विधि, छाक पर्यो रस पी मत वारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं, और इन्हीं लोगों के द्वारा किया हुआ नाम उच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसी प्रेम की मस्ती ना प्राप्त हो, वहाँ तक प्रेम मार्ग में भी शास्त्रों की मर्यादा का पूरा रक्षण करना चाहिए। भगवान नारद जी कहते हैं, नहीं तो पतित होने की आशंका है। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्णाश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, पिता माता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए श्री भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्मृति विहित कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है, यथा समय यथा स्थान उनका आचरण अवश्य करना चाहिए। राम नाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर बदले में बहुमूल्य हीरा दे आता है, वह कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो कार्य लौकिक या स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है, उसमें नाम का प्रयोग करना राजाधिराज से झाड़ू दिलवाने के समान है, सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। अतएव नाम जप में स्मृति विहित कर्मों के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों की यह शंका है कि आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम के एक बार उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बतलाया जाता है, उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम जप की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान ने गीता जी में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति ही ना हो। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस क्षुद्र अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है, इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। यद्यपि एक बार का भी भगवान नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है। जय श्री राधे।